नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। शहडोल जिले की बुढ़ार पुलिस ने मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले कारोबारियों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए एक टन गांजे के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से दो लग्जरी गाड़ी भी जब्त की गई है। यह गांजे की खेप उड़ीसा के संबलपुर से लेकर शहडोल होते हुए उत्तर प्रदेश लाई जा रही थी, जिसे बुढ़ार पुलिस ने पकड़ लिया है। शहडोल पुलिस ने मुखबिर से सूचना के आधार पर उड़ीसा के संबलपुर से गांजे के तस्कर, जो कि गांजे की बड़ी खेप लेकर जा रहे थे, जैसे ही पुलिस को वाहन दिखा पुलिस ने पीछा किया। इस दौरान 200 किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने गांजा तस्कर बुढ़ार निवासी रोहित शर्मा और अनूपपुर निवासी दीपू सिंह को पकड़ लिया। दोनों के पास से 3 लाख रुपए नकद के साथ दो लग्जरी कार भी जब्त किया गया है। 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारियों ने टीम गठित कर दी है। गांजा उड़ीसा से शहडोल होकर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 2 दिन से जाल बिछा रखा था। पुलिस ने 1 टन गांजे की कीमत बाजार में लगभग 1.5 करोड़ रुपए आंकी है। गांजे के इस कारोबार में कई बड़े सफेदपोश शामिल हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इससे ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं शहडोल से हमारे रिपोर्टर अविनाश शर्मा की यह रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नशे के विरुद्ध एक विशेष अभियान पूरे शहडोल जिले में चलाया जा रहा है और हमारे पास लगातार इस संदर्भ में खबरें भी आ रही थी, और एक जिस तरह से हमने पिछली कार्रवाइयाँ की हैं उसके क्रम में ही हमें ये जानकारी में आया था कि पूरा जो गांजे की खेप है, यहाँ के जो गांजा व्यवसायी जो अवैध व्यापार में लिप्त हैं, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों से, जंगली इलाकों से ये कुछ सामान, जो खासकर सब्जियाँ या मिर्च, ये इस तरह के चिप में ट्रकों में लाते हैं, अंदर गांजा छिपा रहता है, इस तरह की जानकारियाँ हमारे पास आई थी। और 2 दिन पहले एक स्ट्रांग इनपुट आया था कि उड़ीसा से एक गाड़ी चली है और उस गाड़ी को बुढ़ार के रोहित शर्मा और अनूपपुर का कोतमा का बदरा का निवासी दीपू सिंह, इन्हें एक कंसाइनमेंट बुलाया है और बड़ी लंबी गांजे की एक खेप है। इस सूचना के आधार पर हमने एक कार्ययोजना तैयार की और विभिन्न थाना क्षेत्रों की टीमें लगीं, और क्योंकि हमारे पास जो इनपुट था उसके आधार पे जो गाड़ी को हमने ट्रैक करना शुरू किया, तो बुढ़ार में जैसे ही ये बुढ़ार की जो थाना की टीम है उसके जैसे ही इंटरसेप्ट किया, तो ये पूरा तरीका इनका ये होता है कि एक गाड़ी इनका पायलट करती है, मेन गाड़ी रहती है और पीछे पायलट भी इनकी रहती है, तो इनको तुरंत ही इन्हें डाइवर्ट किया। फिर इसकी लगातार चेज चलती रही, लगभग पूरे 24 घंटे ये पूरा ऑपरेशन चलता रहा। साथ हमारे थाना क्षेत्रों की टीमों ने इस पर काम किया और फाइनली हम इसको जो बैरिया, बुढ़ार थाना क्षेत्र का जो बैरिया है वहाँ इंटरसेप्ट कर, थाना प्रभारी बुढ़ार की टीम ने इनको इंटरसेप्ट किया, और जैसे ही टीम पहुँची तो सभी लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर, गाड़ियाँ जो थी वो गाड़ियाँ छोड़ छोड़ के भाग गए, लेकिन जो ट्रक जिसमें गांजा था उसके ड्राइवर और एक जो डिज़ायर गाड़ी थी उसमें एक जो लोकल यहाँ का कपिल सोनी है, वो दो आरोपी कपिल सोनी और अरुण कुमार शर्मा को हमने पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई, और बाकी आरोपी वहाँ से भाग गए हैं जिनकी हम तलाश पतासाजी कर रहे हैं। और जब इसको पूरा कार्रवाई के लिए इनको जब खोला गया तो ये लौकी और कद्दू और इन तरह के फलों के बीच में लगभग 1 टन गांजा, 10 क्विंटल गांजा हमें मिला है, और 10 क्विंटल गांजा इसकी हमें विधिवत कार्रवाई की है, और इसमें जो फरार आरोपी हैं उनके खिलाफ भी हमें 10,000 रुपए का इनाम डिक्लेयर कर रहे हैं और इनकी तत्काल इनकी गिरफ्तारी हो ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। सपना नाम हो गया।